हेलो एवरीवन वेलकम वन अगेन नेक्स्ट है यूनिट टू एम और ये सारे एम सी क्यूज मेनली फाइनल एग्जामेशन के परस्पेक्टिव से तैयार किए गए हैं और मोस्टली इनमें वही एम सी क्यूज़ लिए गए हैं जो आपके पहले या प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए गए हैं उन्हीं के बेस पे एम सी क्यूज़ तैयार भी किए गए हैं जिस तरीके का आपके यहाँ पूछने का पैटर्न है बेसिकली यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट तो so, बिना डिले किए हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करते हैं वट आर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इन कंपाउंड सीओ एन एस थ्री फाइव सी एल सी एल टू देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जो सेंट्रल मेटल है उससे कितने लिगेंड सराउंड करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये जो ब्रैकेट दिया होता है इसी के अंदर के जो लिगेंट्स होते हैं उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितना नंबर है फाइव यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो वन तो टोटल कितने हो गए फाइव प्लस वन सिक्स तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है सिक्स तो अब ये वाले जो दो ऑप्शन है ये गलत हो गए ठीक है अब इसके बाद करते हैं इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो जो अमोनिया है ना ये अमोनिया क्या है जीरो स्टेट में होता है तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन ये क्लोरीन इसकी वजह से इस पर एक माइनस की वजह से एक प्लस और बाहर दो क्लोरीन है तो इनकी वजह से दो माइनस तो दो और प्लस आ जाएंगे तो कोबाल्ट होगा प्लस थ्री स्टेट में तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सिक्स एंड थ्री नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बैलू इन बोहर मैग्नेटन यूनिट ऑफ को कार्बोनिल क्रोमियम ठीक है अब ऐसे केस में देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल लिगेंड है वो कैसा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर ये स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है तो जो स्प्लीटिंग होगी टोटल कितने नंबर में छह तो आपका एटल फील्ड में स्प्लीटिंग होगी टी टू जी और इजी देखो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये जो स्प्लिटिंग होती है टेट्रा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ई और टी टू जी होती है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होती है ई की दूसरा मैं इसी के साथ साथ टेट्राहेड्रल की भी बात कर लूँ तो यहाँ पे टी ऊपर होता है इसमें देखो जी नहीं आता है। ये ध्यान रखना और ये होता है ई e. यहाँ पे दो एनर्जी लेवल होते हैं ठीक है जस्ट आक्टा का उल्टा होता है टेट्राहेड्रल ये ध्यान रखना ठीक है तो अब बात करते हैं ये वाला मैं इरेज कर देता हूं ठीक है इसकी बात करते हैं क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ये होता है फोर एस टू फोर एस वन थ्री डी फाइव ठीक है एक एक, एक इलेक्ट्रॉन में रहता है और देखो इस क्रोमियम जो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्यों क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड पे जीरो चार्ज होता है तो क्रोमियम भी जीरो तो इसका मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं ठीक है अब D5 अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होती है तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगी तो आप टोटल फाइव लिगेंड्स को फिल कर दीजिए ठीक है सॉरी यहां मैंने छह भर दिया आप पांच भर लीजिए ठीक है अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वन तो अब यहां से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर जो आप निकालते हो वो फार्मूला होता है एन एन प्लस टू अंडर रूट ठीक है वन वन प्लस टू कितना आ जाएगा ये ये करीब करीब आएगा टू प्लस वन थ्री अंडर रूट थ्री होगा वन पॉइंट सेवन समथिंग ठीक है इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है ये से वन पॉइंट होना चाहिए था ठीक है तो ये आप आ, हो सकता है ये टाइपोग्राफिकल एरर हो करेक्ट कर लेना ठीक नेक्स्ट देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये मैंने बार बार बताया था आपको पढ़ाते वक्त भी जो आक्टा और टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग होती है उनमें क्या रिलेशन होता है ठीक है तो जो आक्टा की स्प्लिटिंग होती है ये फोर बाई नाइन टाइम्स होती है टेट्राहेड्रल डल की स्प्लिटिंग जो होती है वो कम एनर्जी गैप की होती है अगर आक्ट्राइडल की बात करें तो में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है तो आपको इसके लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको याद करना है स्पॉट ठीक है स्पॉट याद करेंगे स्पॉट में जो एस है ये स्क्वायर प्लेनर तो डे जो है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे ज्यादा होता है फिर डेल्टा आक्टा के लिए और फिर उससे कम होता है डेल्टा टेट्राहेड्रल के लिए तो यहाँ से आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है ये वह वा आर्डर वाला तो यहाँ से आप ध्यान रखना वैसे यहाँ पे जो ऑप्शन सही है यह है डेल ओ फोर बाई नाइन डेल्टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे हम ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जैसा कि पहले वीडियो में अब हमने देखा कि यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी ठीक है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट करेंगे लो स्पिन कब बनता है जब ये स्प्लिटिंग लेस हो ठीक है अगर लेस होगी तो एनर्जी कैप सॉरी 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 ये हाई uh, uh, हो ठीक है हाई हाई होगा तब लो स्पिन बनेगा ठीक है तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं तो आप टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल कर सकते हो टी टू आर्बिटल में टी टू जी में ईजी में नहीं क्योंकि आक्टा है ठीक है आक्टा है और डी सिक्स है तो छ के छ इलेक्ट्रॉन यहीं फिल हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे जीरो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये बहुत ही ईजी और मार्क कंटेनिंग क्वेश्चन है इस पे हम फोकस करके रखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं दाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व इन द रीजन ऑफ तो देखो अब एक थोड़ा सा हम आपको रिकॉल कर देते हैं जैसे कि हमने थोड़ा सा रिकॉल किया क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग में यहाँ पे देखो हमने आपको याद कराया था कि आप याद कर लो लार्ड मिर यू बी एक्स वाई जेड हमने कहा इसको उल्टा करके लिख लो और ये जेड केवल केवल प्रोनाउंसिएशन के लिए हमने रखा है तो इसको हटा देते हैं तो यहां से हो गया गामा रे एक्स रे बी विजिबल आई आर माइक्रोवेव रेडियो वेव लॉन्ग रेडियो वेव और शॉर्ट रेडियो वेव ठीक है तो वाइब्रेशनल रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा होता है आई आर रीजन में आता है ठीक है तो ये सही ऑप्शन है नियर आई आर नेक्स्ट इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन आर ओनली आप बिटवीन द रोटेशनल लेवल ऑफ डेल्टा से डेल्टा से जो वैल्यू होती है ये प्लस माइनस वन में अलाउड होता है ये नॉट अलाउड है ये भी नॉट अलाउड है और ये भी नॉट अलाउड तो ये याद कर लेंगे ये सिलेक्शन 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 रूल 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 ही है 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 बेसिकली ठीक रोटेशनल स्पेक्ट्रा का तो सारे रूल हमें याद होने चाहिए जिसमें दो सिलेक्शन रूल अलग से हमने जो बताए हैं आपको जैसे लेपोरटे और स्पिन स्पिन सिलेक्शन रूल इलेक्ट्रॉनिक इस्प, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ठीक है तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए जीरो और लेपोरटे डेल्टा एल प्लस माइनस वन होना चाहिए तो ये दोनों spin, इस सिलेक्शन रूल भी आप याद करके रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी फोर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सिस डी फोर है लो स्पिन है तो लो तो स्पिन में देखो एनर्जी गैप आपको ज्यादा रखनी है ताकि पेयरिंग हो सके तभी लो स्पिन बनेगा तो अगर ये जब हाई है ठीक है तो लो स्पिन बनेगा फोर है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है दो करेक्ट ऑप्शन है दो देखो तो दो बार रिपीट किया है आपके एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इस पर आपको फोकस करके रखना है नेक्स्ट डी जनरे ऑफ डी आर्बिटल इज रिमूव्ड विद द अप्रोच ऑफ तो अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम पहले कहते हैं कि ये पांच ऑर्बिटल हैं जैसे लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करते हैं ये तो ये हाइपोथेटिकल स्टेट में चले जाते हैं हाइयर एनर्जी का और फिर अगर अगेन अप्रोच करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाते हैं तो जैसे ये दो पार्ट में टूटते हैं इनकी डी जन डी क्या होती है ब्रेक हो जाती है तो कब होता है ये ये देखेंगे लिगेंड न्यूक्लियस मेटल न्यूक्लियस रिपल्सन नहीं ऐसा थोड़ी नहीं जब ये अट्रैक्ट करेंगे तब ना जब हमने आपको बताया है कि मेटल पे एन प्लस चार्ज होता है और लिगेंड के पास होता है लोन तो तो इस इसका जो देखो यहां पे प्लस चार्ज लगा तो इलेक्ट्रॉन हट गया तो इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे ठीक है हाँ तो अब ये जो है जैसे जैसे अट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो डी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्प्लिट कर जाएंगे तो यहाँ मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें बेसिकली जब अट्रैक्शन होगा सॉरी यहां पे एक बार करेक्ट कर लो कि ये जो मेटल का न्यूक्लियस होगा और इनके बीच अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे स्प्लिट कर जाएंगे तो अब देखो लिगेंड न्यूक्लियस लिगेंड न्यूक्लियस ये तो गलत है ठीक है लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये कॉपी पेस्ट में इश्यू हुआ है ये इलेक्ट्रॉन हटा के न्यूक्लियस कर लो ठीक है ये ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से तो लिगेंड न्यूक्लियस लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल न्यूक्लियस के बीच जब अट्रैक्शन होगा तो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं स्प्लिट कर जाते हैं क्योंकि ये ये जो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो गया यहाँ तक यहाँ पे रिपल्सन और अट्रैक्शन केवल अंतर है तो ये करेक्ट कर लेंगे ये न्यूक्लियस होगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द विद स्पिन क्वांटम नंबर ग्रेटर देन कैन एग्जिबिट तो आपको हमने बताया कि एनएमआर होने के लिए जीरो से ज्यादा होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए तो देखो इसमें आप कोई कहेगा कि पांच सर पांच भी तो पॉजिटिव नंबर है माइनस पांच टेन तो नहीं जीरो से ज्यादा वन टू वाले कहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वन होगा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तो सी एफ एस सी अब डी सिक्स टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स डी सिक्स अब तो tetrahedral कॉम्प्लेक्स है देखो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ tetrahedral में दो ऑर्बिटल नीचे होते हैं और तीन ऊपर होते हैं और ये हमेशा जो tetrahedral होते हैं वो हाई स्पिन बनते हैं तो डी सिक्स है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो वन टू थ्री फोर फाइव एन सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हो गए टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हो गए थ्री <coughs> अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होता है माइनस सिक्स इंटू थ्री और यहाँ पे आपको फोर इंटू थ्री ठीक है ये हो गया सिक्स थ्री जहा एटीन माइनस का और ये आता है प्लस में ये वाला टर्म ये प्लस होता है ये हो जाएगा प्लस पॉइंट फोर इंटू थ्री तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा माइनस का वन पॉइंट एट प्लस का वन पॉइंट टू तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट सिक्स तो यहां पे आप देखेंगे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ट्रू है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा है विच पेयर इज करेक्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जेडन ओएच, सॉरी जेवन टेट्रा एक्वा जिंक सेकंड पैरामैग्नेटिक है, हेक्सा अमोनिया कोबाल्ट थर्ड डायमैग्नेटिक है, हेक्सा फ्लोराइड कोबाल्ट थर्ड डायमैग्नेटिक है और वेनेडियम हेग्जा एक्वा प्लस टू डाया मैग्नेटिक है इस केस में अब आप देखो आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए पहले तो सब में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना जो वाटर है अमोनिया है ये लिगेंड होते हैं क्लोराइड पे माइनस वन चार्ज होता है तो वाटर पे अगेन जीरो चार्ज यहाँ से चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे देखो सिक्स इंटू जीरो जीरो ही होगा तो ये जो प्लस टू चार्ज है ये डायरेक्ट किसका होगा वेनेडियम का तो वेनेडियम प्लस टू में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस थ्री सॉरी माइनस वन इंटू सिक्स कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इसमें से ये थ्री घटा दोगे तो ये कोबाल्ट आ जाएगा प्लस थ्री स्टेट में ठीक है यहाँ पे देखो अमोनिया जीरो स्टेट में है तो ये प्लस थ्री चार्ज कोबाल्ट का ही है जिंक पे भी प्लस टू चार्ज क्योंकि वाटर जीरो स्टेट में अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिंक होता है थर्टी ये होता है फोर एस टू थ्री डी 10, कोबाल्ट ट्वेंटी सेवन और कोबाल्ट ट्वेंटी सेवन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फोर एस टू थ्री डी सेवन देखो जिंक प्लस टू में जब लेंगे तो ये आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो फोर एस गया तो थ्री डी टेन सिस्टम टेन इलेक्ट्रॉन कहीं भी फिल करोगे तो वो हमेशा डाया होगा क्योंकि टेन के टेन इलेक्ट्रॉन है तो ये गलत है पैरा दे रखा है कोबाल्ट प्लस थ्री का हम देखते हैं कोबाल्ट के, के केस में <coughs> देखो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो प्लस थ्री ले जाना है ना तो जैसे प्लस थ्री के लिए तीन इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे तो ये हो गया थ्री डी सिक्स सिस्टम और जैसे ये थ्री डी सिक्स होता है थ्री डी सिक्स को आप फिल करके देख लोटाइड्रल इन्वायरमेंट में ठीक है देखो यहां अमोनिया क्या है इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी और पेयरिंग हो जाएगी तो ये क्या होगा डायामेन यही ऑप्शन ट्रू है बाकी ऑप्शन आप क्रास चेक कर सकते हो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द कॉम्पलेक्सिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोवमेंट ऑफ टू पॉइंट एट टू बोहर मैग्नेटन तो देखो टू पॉइंट एट टू लिखा है तो हमेशा जान लो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो दो आएगा वन पॉइंट सेवन थ्री आ रहा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वन तो अगर इसी तरीके से थ्री पॉइंट नाइन या एट आ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे थ्री तो टू पॉइंट एट टू के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो आने चाहिए तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये भी टेट्रा सब में चार ही लिगेंड है ओके तो सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपने देखा कि स्प्लिटिंग कैसी होती है इजी नीचे रहता है और टी टू ऊपर चला जाता है ठीक है अब देखो निकिल निकिल यहाँ पे स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड लिया है हमने यहाँ पे वीक फील्ड लिया है ठीक है तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं निकिल प्लस टू वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं ये ये स्क्वायर प्लेनर है तो इस ऑप्शन को आप हटा के ही चलना क्योंकि आपके सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर का बस केवल केवल स्प्लेटिंग है एग्जाम्पल्स नहीं है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं तो इन तीन ऑप्शन पे हम मेनली फोकस कर लेते हैं कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा देखते हैं निकल अब देखो निकल क्या है? होता है निकल का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी एट और निकल यहाँ पे जीरो स्टेट में है चार्ज कैलकुलेट करना हमने पीछे सिखाया था यहाँ पे प्लस टू स्टेट में तो निकिल जीरो अगर होता है तो ये होगा फोर एस टू और थ्री डी एट सिस्टम और निकिल अगर प्लस टू में है तब भी ये होगा फोर एस जीरो और थ्री डी एट ठीक है तो डी एट सिस्टम दोनों केस में अब डी एट हम फिल कर लेते हैं देखो दो ही केस है हमारे पास हाई स्पिन और लो स्पिन तो यहाँ पे देखिए दो केस हैं ठीक है D8 के तो दो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं और दो अगेन चार हो गए और चार इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करते हैं ठीक है इस केस में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन ये जो आ रहे हैं इसकी वजह से जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे टू टू प्लस टू ये आ जाएगा टू पॉइंट एट टू इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब देखो यहाँ पे जो निकल जीरो स्टेट में है तो यहाँ पे फोर एस में भी इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा आर्बिटल मोमेंट एक आर्बिटल दूसरे आर्बिटल से आर्बिटल आर्बिटल भी करेगा लेकिन यहाँ पे केवल केवल डी एट सिस्टम है ये ध्यान देना तो ये केवल डी आर्बिटल में ही रहेगा तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकिल है निकिलोरो निकिल सेकेंड ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगेंड तो जो होता है ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वही डोनर एटम है बाकी लेविस एसिड लेविस एसिड जो ले ले है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है काउंटर आयन भी नहीं है सेंट्रल मेटल आयन भी नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द मिड आई रीजन इज देखो जो आई रीजन है वो बेसिकली जीरो टू टू हंड्रेड ठीक है 200 हंड्रेड टू फोर सॉरी ये फोर हंड्रेड और फोर हंड्रेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिड आर रीजन तो जो मिडाइर रीजन होता है वो मेनली हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है चार हजार से सिक्स सिक्सटी सेवन अगर ये चार हजार से चार हजार से आपको चार uh, सौ भी लिखा मिल जाए तो भी आप इसी आंसर के साथ जाओगे ठीक है ये ध्यान रखना और टेन टू चार सौ का जो रीज़न होता है ये फार होता है और चार हज़ार से बाद का जो रीजन होता है करीब बारह हज़ार आठ सौ तक का ये होता है नियर वाला ठीक है तो यहाँ पे मिड का पूछा है तो मिड के लिए ऑप्शन ए सही है नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नर्स क्रोवर सोर्स ऑफ रेडिएशन ये आई आर का सोर्स है ये ध्यान रखेंगे आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोवर हम फिलामेंट यूज करते हैं और ये फिलामेंट कौन सा रेडिएशन देता है ठीक है एक बल्ब जैसा होता है ये आई आर रेडिएशन देता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द नेट डाइकोल मोवमेंट ऑफ डाई नाइट्रोजन इज जब भी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं देखो डाई नाइट्रोजन क्या है तीन बांध एक दूसरे से नाइट्रोजन बनाते हैं तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होगा जितना इधर होगा उतना इधर होगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या आता है जीरो आता है नेक्स्ट रिडबर कॉन्स्टेंट रिडबर कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज तो देखो रिडबर यहां से कंफ्यूज नहीं होना आरसी से रिडबर कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट नहीं होता आर से रिप्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आप ये आपके लिए नया है क्योंकि आपके सिलेबस में था नहीं या फिर मिसिंग था जो हम लोगों ने पढ़ाया उसमें कहीं मिला नहीं लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखोगे जो है एंगुलर वेव नंबर जो होता है वो के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है टू पाई बाई एन ठीक है तो ये यूनिक क्वेश्चन है इसे याद कर लेना है एग्जाम का टाइम है ये नहीं सोचेंगे कहाँ से आया है विच इज एन ऑसिलेटर अब देखो यू भी जो है हारमोनिक है विजिबल हारमोनिक है एन एम आर एन एमारे माइक्रोवेव यूज करते हैं ये सारे जो जो रेडिएशन है हारमोनिक है लेकिन जो पेंडुलम है वो हमने डिजाइन किया अगर पेंडुलम जो एंगल प्रोसीड करता है अगर ये एंगल 50 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो पेंडुलम का जो मोशन होता, होता है ये ऑलवेज एन हारमोनिक होता है इससे कम पे थोड़ा तो चांसेस होते हैं अगर एन हारमोनिक नहीं होता तो आप ऐसे एक बार इसे छोड़ देते तो धीरे धीरे स्लो होकर रुक नहीं जाता ठीक है रुक जाता है ना तो ये अनहार्मोनिक मोशन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द एब्स फोटो एनर्जी शुड बी इक्वल टू अब देखो डेल्टा ई -E बार बार लिखते थे डेल्टा ईक्स -E टू न्यू तो डेल्टा सी क्या है भाई कुछ नहीं है डेल्टा पी क्या है कुछ नहीं है डेल्टा एफ कुछ, 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 कुछ नहीं है इतना सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है डेल्टा ई -E. ठीक है ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था बेसिकली यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया इजी क्वेश्चन के तौर पे इसे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज एज अब देखो जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है ना तो हम आपको पढ़ाते ही हैं हेडिंग है लाइन स्पेक्ट्रम याद करो लाइन स्पेक्ट्रम तो ये मैग्नेटिक गलत है सर्कुलर गलत है ट्रायंगुलर गलत है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द एरो ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टूअर्ड्स अब यही बात है किधर एरो रखोगे इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि डेल एच है इसमें आप डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव लिखते हो किधर एरो बनाते हैं हम डेल निगेटिव की तरफ हमेशा इस तरीके का एरो बनाते हैं तो पार्शियली निगेटिव की तरफ से हम बनाते हैं ठीक है तो ये निगेटिव पॉजिटिव गलत है पार्शियल पॉजिटिव गलत है नेक्स्ट देखो जो इमिशन लाइन है ना इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इमिशन लाइन इज सोन बाई द लाइन स्पेक्ट्रा इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो इमिशन लाइन अब इमिशन का मतलब क्या अगर ये कोई सोर्स है यहाँ से लाइट आ रही है तो अगर लाइट आपकी तरफ आ रही है आपकी आंखों की तरफ आ रही है लाइट तो अगर आपकी आंखों की तरफ जब भी लाइट लगेगी तो आपको कभी भी डार्क दिखेगा नहीं दिखेगा ब्राइट दिखेगा अगर जैसे सन की लाइट आपकी तरफ आती है तो सन ब्राइट दिखता है तो ये ब्राइट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन अपने से डिस्कस कर लेते हैं ऐसा है कि ये जो यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली ये टफ मानी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता वो एग्जामिनर क्योंकि बच्चों को आएगा नहीं तो जितने भी सिलेक्शन रूल हैं ठीक है सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्व टू प्लस माइनस वन ठीक है डेल्टा न्यू इक्व टू प्लस माइनस वन डेल्टा एस इक्व टू जीरो डेल्टा एल इक्व टू प्लस माइनस वन ये सब कुछ आपको याद करके रखना है प्लस जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बनाए थे या फिर ट्रांजिशन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में शो कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि आपको एनर्जी याद करके रखना है ठीक है जैसे टू बी जे जे प्लस वन ये क्या था डेल्टा एन ई का वैल्यू थी टू बी में के टर्म में आया था ना तभी तो अगर जे बराबर हम वन रख रहे थे तो जो गैप पूछ रहा था लाइन के बीच सी टी वन में एक एम सी क्यू बना था टू बी टू बी के गैप पे आते हैं ठीक है तो ये जो एनर्जी का टर्म है ये आपको याद रखना है सारे के लिए रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए याद रखोगे वाइब्रेशनल के लिए याद रखोगे रोटेशन वाइब्रेशन के लिए याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक में भी हम कौन सा यूज करते हैं ये याद रखेंगे इसके पार्ट हम दो चीजें और जैसे बियर लाइमबर्ट ला की हम बात करें ठीक है लागे अपान ए नाट की ये फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी पे एम सी क्यू बना देगा वो तो ये अगर आपको फार्मूला याद है तो आप एम सी क्यू कर ले जाओगे तो यूनिट टू में मैंने कम ही क्वेश्चन रखे हैं और वीडियो भी शार्ट रखी है आप नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट थ्री की तरफ आपको मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया है आप सारे बच्चे जो भी हमारे हैं वो इस वीडियोस को देख लें हम इसे उम्मीद करते हैं कि उनके जो है करीब करीब एट्टी परसेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको एम का आइडिया तो लग ही जाएगा ठीक है देखो ट्वेंटी परसेंट को हम इसलिए नहीं लेके चलते क्योंकि नए क्वेश्चन अगर फ्रेम होंगे तो उनका आधार अलग होगा तो ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ वहां से आपको करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो